और ये सोचते रहिए प्रॉब्लम तो लाइफ में आनी है, अब जॉब लग जाएंगे उसके बाद प्रॉब्लम आएगी। देखिए मनुष्य जीवन तो सदैव समस्याओं से घिरा हुआ है, अगर यह समस्या ही नहीं होगी तो हम एक दिन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि समस्या उस व्यक्ति को नहीं होती जिस व्यक्ति ने मोह माया रिश्ते बंधन छोड़ दिया। हम और आप सब तो पारिवारिक आदमी हैं, हमारा अपने परिवार के प्रति जुड़ाव है, हमें अपने यार दोस्तों के प्रति जुड़ाव है, माँ बाप के प्रति जुड़ाव है, भाई बहन के प्रति जुड़ाव है। तो जब तक हम इन जुड़ावों में रहेंगे तो समस्याएं तो नेचुरल आएंगी, अगर हमारे संबंध होंगे समाज से परिवार से तो समस्या आएंगी। समस्या तो केवल और केवल उसी व्यक्ति को नहीं आएगी जिसने ऊपर वाले से लय लगा ली और पहाड़ों पर जाके बैठ गया, जिसको समाज से मतलब ही नहीं है, उसको समस्या नहीं आएगी। आप ये तो मत ही मानिए कि समस्या नहीं आएगी, 100% आएगी, रोज आएगी, नई नई लेवल आएंगे डिफिकल्टी के, आपकी स्टेज में नहीं, आपसे बड़ों की स्टेज में आ रहे हैं, आपके माँ बाप की स्टेज में आ रहे हैं, उनको रोज चिंता रहती है मेरा बच्चा कामयाब होगा नहीं होगा, फिर जब कामयाब हो जाएगा फिर रिश्ता होगा नहीं होगा, फिर लड़की अच्छी आएगी नहीं आएगी, मेरी सुनेगी नहीं सुनेगी, कहीं बेटे को कंट्रोल ना कर ले, फिर आएगा अरे बेटा होगा या बेटी होगी उसमें लगे रहेंगे, फिर उनका एडमिशन कहाँ हो रहा है, फिर लाइफ सर्कल है, रोज चलना है, रोज इसी चक्कर में घूमना है ना, पारिवारिक चक्कर कहते हैं, रोज घूमेंगे, रोज टेंशन है, हर आदमी को टेंशन, अंबानी भी रात को सोता होगा ना गोली लेके सोता होगा, पक्की बात, टेंशन हर किसी को है, इसलिए आप भूल जाइए कि टेंशन नहीं होगी, हमें तो उसका समाधान खोजना है कि जो हमारी समस्या है क्या हमारे पास उसका समाधान है, नहीं है, है तो अपना ही है, नहीं है तो भैया जिस चीज़ का समाधान ही नहीं उसकी फिर टेंशन क्यों लेनी, आगे बढ़िए अपना काम करते रहे।